वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। पिछले कुछ दिनों में सुनने में आया था कि जो अदानी है इंडिया के, वो दुनिया के तीसरे रिचेस्ट मैन बन गए थे। उसके बाद ही अगले कुछ ही दिनों के अंदर उनका ये न्यूज़ ये आई कि उनके जो नेटवर्थ है उसके अंदर $100 बिलियन का उनको लॉस हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं ऐसा क्या हो गया कि उनको अचानक से ही $100 बिलियन का लॉस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हिंडनबर्ग एक कंपनी है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ़ कीजिएगा। उसके जो सीईओ हैं, जो उन्होंने वो दरअसल ये जो कंपनी है ये करती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रीवियसली भी जो भी स्टॉक एक्सचेंज IPOs है ना दुनिया के अंदर, उसके ऊपर नज़र रखती है, उसके अंदर नज़र रखती है। और अगर किसी की कोई ऐसी ग्रोथ हो रही है तो उसको देखती है कि उसके अंदर मामला है क्या, यानी जो कंपनी है या कंपनीज हैं उनके अंदर, या वो जो रन हो रही है किस तरह हो रही है, कैसे प्रॉफिट कमा रही है। तो वो जब चीज़ें सामने आती है ना, तो वो फिर जो IPO है, जो शेयर है, उसकी प्राइस गिर जाती है। क्योंकि दुनिया एथिकल बिजनेस करती है, दुनिया में जो स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, पाकिस्तान तो स्टॉक एक्सचेंज बैठी रहती है, लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो वहाँ पे लोग उनको, पाकिस्तान में तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा स्कोप है ना, दुनिया में स्टॉक एक्सचेंज का है कि वहाँ अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, दुबई, बाकी जो मुल्कों के अंदर, तो वहाँ पे लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते भी बहुत है। तो ये कंपनी है हिंडनबर्ग, ये क्या करती है, पहली बात यह कि ये नाम जो उन्होंने रखा हुआ, ये रखा था उन्होंने 1935 में। एक ऐसा हुआ था कि एक आप एक तरह का जहाज़ था जिसमें 35 लोग सवार थे और वो गिर गया था, और उसकी फिर उन्होंने उस वक्त फ़ोटो भी बनी थी, उसको आग लग गई थी। तो उसके ऊपर नाम रखा हुआ है कि भाई ये जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो बड़े बड़े प्रॉफिट कमा रही होती हैं, IPO जो है वो बहुत हिट है, शेयर बहुत ऊपर जा रहा है, जब वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब उनके हकायक बताते हैं, जैसे अडानी का बताया कि टैक्स एविजन के अंदर हकानी और जो अडानी है वो पैसा बना रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा बना रहा है, सरकारी चैनल्स मोदी के साथ मिलके काम करते हैं और जिससे गवर्नमेंट से बेनिफिट उठाता है, इंडियन गवर्नमेंट से। तो उन्होंने बताया कि असल में इसका यहाँ से जो है ना पैसा बन रहा है, और ये शो ये करता है कि भाई 7 कंपनियाँ हैं और उधर से प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट इस किस्म के हैं इसके। तो जब ये लोगों को रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने अपने शेयर बेचने शुरू किए। उन्हें पता है कोई कंपनी किसी सॉलिड बुनियाद पर खड़ी होती है ना, तो अडानी कोई सॉलिड बुनियाद पे नहीं खड़ा हुआ था। याद रहे कि ये हिंडनबर्ग जो कंपनी है ये क्या करती है कि ये जब शेयर गिराती है तो फिर गिरे हुए शेयर खरीदती है। उसे पता होता है कि वो कंपनी अपना फिर दोबारा खड़ा होने के लिए, शेयर महंगा करने के लिए पैसा इन करेगी, या वो कुछ जो भी उस पर इतराजात है उसको सॉल्व करेगी, तो शेयर प्राइस फिर ऊपर चली जाएगी। अब ये क्या है, ये आप देखें ना, एक नॉलेज इकोनॉमी है ना आजकल, कि भाई एक बंदा आप वो रिपोर्ट बनाता है उसके ऊपर, उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी चीज़ें निकालता है, और निकालने के बाद वो उस कंपनी के शेयर को खराता है, फिर वो ख़रीदता है, फिर वो कंपनी वापस उसको उठाती है। इस दौरान कंपनी की तो लक टूट जाता है ना। अडानी का तो बेसिकली अडानी दुनिया का तीसरा अमीर तरीन इंसान बन गया था, नेटवर्थ को $134 अरब, और हिंदुस्तान में तो नंबर वन था। अब वापस हिंदुस्तान में मुकेश अंबानी आ गया है और दुनिया में उसकी रैंकिंग को 10वें 12वें नंबर पे चली गई है, और ऊपर से उसको सीरियस चैलेंजेस हैं। अभी उसने कुछ पैसा अरेंज कर लिया है, लेकिन उसको सीरियस चैलेंजेस हैं। और ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग, ये प्रीवियसली और बहुत सारी स्टॉक कंपनियों को ये उसके साथ ये काम कर चुकी है, और इसका सक्सेस रेशो जो है वो 75% है, यानी 25% इसकी रिपोर्ट गलत होगी, 75% ठीक होती है और उससे कंपनियाँ अफेक्ट होती हैं। एक और साहब के बारे में कहा जाता है कि जो बेसिकली अमेरिका के दूसरे एलन मस्क बन रहे थे, और उनकी कंपनी की वर्थ $34 बिलियन थी, और उसके ऊपर जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करी तो अब उनकी जो नेट वर्थ है, या जो कंपनी की जो समझ लो वर्थ है, वो 2.3 कुछ समथिंग आ गई है, यानी वो इतना गिर गई है। यानी देखिए कंपनियाँ जब प्रॉफिट गेन करती है ना, देखिए IPO यानी शेयर के रेट तब बढ़ते हैं जब पीछे जो कंपनी है बेस के ऊपर उसको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होते हैं, वो कोई प्रॉफिट गेन करती है, वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, या वो कहीं से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो वो पैसा इन्वेस्टमेंट में लगेगा, तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा, तो जो शेयर्स जिन्होंने ख़रीदे हुए हैं उनको डिविडेंड मिलेगा, तो इसलिए लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये एक दुनिया में एक बिजनेस है जो कि बहुत
लोग उससे पैसा कमाते हैं और लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये अडानी के मामले में ये हुआ है। और अब वो जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान वाला माहौल है ना, वो जो उनका अडानी का जो फ्रंट मैन था उसने कहा कि ये असल में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश है कि हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो बड़ी हो रही है और उसमें दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंच गया था हमारा अडानी, तो उसको गिराने के लिए ये उसके ख़िलाफ़ एक साजिश है जो की गई है या एक प्लान किया गया है। प्लान किया है उन्होंने, लेकिन उसमें ये रीज़न नहीं है क्योंकि उन्होंने 75% पहले कई अमेरिकन कंपनियों को उसने गिराया है। ये जो शख्स है जो एडनबर्ग के जो हेड करते हैं, ये 2017 में ये कंपनी बनी और उससे पहले ये इसराइल में होते थे और वहाँ पता नहीं पढ़ रहे थे और साथ में एम्बुलेंस चलाते थे और ये इस तरह से काम करते थे। अब उन्होंने 2017 में ये कंपनी खोली और इस डायरेक्शन पे इन्होंने जो काम शुरू किया तो इनकी बहुत मकबूलियत हुई है दुनिया भर के अंदर। तो बहरहाल ये कहानी हुई है अडानी के साथ कि अडानी को अब अपने आप ये जो जितने भी उसके ऊपर एतराज़ात हैं उनको क्लियर करना होगा, लोगों का ट्रस्ट रीगेन करना होगा इन्वेस्टर्स का, तो उसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे और तो जो है ना वो अपनी वो पोजीशन, अब देखना ये है कि आने वाले टाइम में वो अपनी पोजीशन रीगेन कर पाता है कि नहीं कर पाता, क्योंकि जो हिंडनबर्ग है उसने उसने ये भी कहा है कि आप मेरे खिलाफ आप सू कर ले कोर्ट में अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका की अदालतें इंडिया पाकिस्तान की अदालतें नहीं हैं, जो नज़रिया ज़रूरत करती फिरे वो वहाँ पे इंसाफ होता है, तो इसलिए वो बड़ा कॉन्फिडेंट है। उसने इसलिए कहा है कि आप करो कोई हरजाना कोई किसको ही करो ताकि वो अब वो उसकी प्रिपरेशन करेंगे तभी जाके उसको फेस करेंगे, क्योंकि उसने तो आप समझ लीजिए कि पूरी गर्दन से पकड़ लिया ना अडानी को और अडानी इसलिए बैठ गया। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जो कि हिंदुस्तान में बड़ा ये खबर और दुनिया में बड़ी डिस्कस हो रही है। ड्रॉप टू इंडिया देखने का बहुत शुक्रिया।